मुझे उम्मीद है कि मेरे वीडियोस आप देख रहे हैं और चीज़ों को ग्रहण कर रहे हैं, समझ रहे हैं। अब देखिए, इस वैश्विक परिवर्तन के परिदृश्य में हमें इस ऑडियो विजुअल टेक्निक के सहारे ही आगे बढ़ना है। हम लोग बीते कुछ दिनों से अपने सिलेबस को लेके भी जा रहे हैं आगे। ये 10 एकांकी हमारी जो किताब है, इसमें हमने पहला पार्ट कर लिया, दूसरा पार्ट कर लिया, तीसरा पार्ट कर लिया, चौथा पार्ट है आत्महत्या के विरुद्ध। नहीं, आत्महत्या के विरुद्ध तो रघुवीर साय का काव्य संकलन है, अदृश्य व्यक्ति की आत्महत्या, यह हमारा आज का एक अंक है। और ये हमें कोई अधिकार नहीं कि हम किसी का हक छीन लें।
दोनों नुक्कड़ पे सड़क पे बैठ जाते हैं और फिर बोलते हैं कि लेकिन उसके कमरे में जाना तो हमारा भी हक है। ऐसा करते कि उसके रूम में चले जाते हैं और उसको पहचानेंगे नहीं। जब हम उसको नहीं पहचानेंगे तो वो हमारा इंतजार भी करता रह सकेगा और हम अपने दोस्त के घर में जाने के लिए अधिकृत हैं, हमारे अधिकार की सुरक्षा भी हो जाएगी। अब देखने में बड़ा हंसी वाली बात लग रही है, हास्यास्पद लग रहा है, लेकिन यही पटांग चीज है। हमें ऐसे रिश्तेदार के घर होली दिवाली पे राम रवि करने जाना पड़ता है जिनसे हम मिलना भी नहीं चाहते, लेकिन जब हम वहाँ जाते हैं तो ओहो क्या बात है, आज तो बहुत दिन बाद वो भी हमारा ऐसे स्वागत करते हैं और हम भी क्या करें, कितनी बार आना चाहते थे लेकिन कमबख्त ये टाइम ही नहीं मिलता। ये चीज़ें जो रस्म अदायगी की तरह बनी है उसको अगर थर्ड आई से कोई तीसरा व्यक्ति देख रहा हो तो इसको ये सब बेतुका लगेगा। ठीक इसी तरह से हमारे अदृश्य व्यक्ति की आत्महत्या में धीरज अपने दोस्त मोती को नहीं पहचानता। धीरज का घर ऐसी जगह पे है जहाँ पे 3 कदम चल के आना पड़ता है, दरवाजे में एक कुंडी है, उसके पास एक छेद है, उसको छू के देखना पड़ता है और फिर उस गेट के सामने एक कुर्सी है जो थोड़ी सी हिलती है, उस पर बैठ कर चेक करना होता है। दोस्त आता है, इसने दरवाजे की सुराख से झांक के देख लिया पर पूछने पर भी गेट नहीं खोला। क्यों? क्योंकि वो बाकायदा नहीं आया था, वाया प्रॉपर चैनल नहीं आया था। फिर वो वापस गया, उसने दरवाजे के 3 को गिने, फिर कुर्सी पे बैठ के चेक किया, फिर दरवाजे की कुंडी पे आके वो देखे, उसके बाद गेट खोला। तुम कहता हो तुम कैसे आए, कितने अच्छे दोस्त हो। हम देखते हैं बैंक में रुपए लेके जाते हैं, हम किसी भी अधिकारी को रुपए पकड़ाएंगे तो वो जमा नहीं करेंगे, पहले आप पर्ची दीजिए, फिर आप चेकबुक पासबुक जो भी है, फिर आप वहाँ जाइए उस काउंटर पे जाइए, आप टोकन लीजिए, लास्ट वाले कैशियर से हमें मिलता है। ये बाकायदा प्रॉपर चैनल जो हमने ऑफिसेज में देखा है वो हमारे रिश्ते में आ गया। उसने मुझे शादी में बुलाया लेकिन तुमको कहा, मुझे भी तो फोन कर सकता, मुझे तो नहीं कहा। ये चीज़ें बचकानी है लेकिन ये चीज़ें हो रही हैं, इसलिए हम इनको बचकानी कह के टाल नहीं सकते। इस एकांकी में राधा और सीता, राम और सीता आते हैं पति पत्नी, और राधा और सीता दोनों महिलाओं की बात होती है। दो व्यक्ति दो लोगों से सवाल कर रहे हैं, एक का जवाब राम देता है, एक का जवाब सीता देती है। राम जवाब देता है कि कितनी किताबें छपी, सीता जवाब देती है आपके कितने बच्चे, दोनों बोलते हैं दो। राम कहता है कि राम से पूछा जाता है कौन कौन सी किताब, एक कहानी एक कविता, सीता जवाब देती है एक लड़का एक लड़की। यानी आप देखिए किताब सब्जी भाजी बाल बच्चे सब इनके लिए एक जैसी चीज है, कहीं कोई चेंज नहीं है। और इतना झूठ बोलते हैं कि बोलते टाइम इनको अपने मैं से चोट खानी पड़ती है। ये मैं कौन है? वो अदृश्य व्यक्ति जो इस एकांकी का मुख्य पात्र है। जब कोई कहता है कि मुझे डर नहीं लगता, वो जानता है कि आज के समय में वो डर रहा है, तो उसका मैं उसको एक चांटा मारता है। जब वो बोलते हैं कि मैं देश के लिए ऐसा कर रहा हूँ तो फिर एक चांटा पड़ता है, मुझे मारा होता तो मैं बताता, फिर एक चांटा पड़ता है। और लास्ट में अदृश्य व्यक्ति स्वयं आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि हम देश के लिए मंदिर बना रहे हैं, हम देश के लिए मस्जिद बना रहे हैं, हम देश के लिए कर रहे हैं, तो हम जानते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं, हमें इन चीज़ों की जरूरत नहीं है। तब हमारा मैं, हमारी अंतरात्मा आत्महत्या कर लेती है। इस एकांकी में भी वो बरामदे से कूद कर मर जाते हैं। ये आज के समय की विसंगतियों को व्यक्त करने वाला एक सार्थक एकांकी है। इस एकांकी और ऐसी हर एकांकी, ऐसे हर एकांकी के अंत में पसर जाने वाली चुप्पी, फैल जाने वाला सन्नाटा आज के समय का कड़वा यथार्थ है। हमें ऐसे एब्सर्ड एकांकी कम समझ में आते हैं, लेकिन अगर हमें सूझबूझ अधिक है, चीज़ों की पकड़ अधिक है, पहली दृष्टि है, तो हम न सिर्फ खुद समझ सकते हैं बल्कि हमारे स्टूडेंट्स को भी समझा सकते हैं। इस एकांकी को बाकायदा मैं गद्यांश वाइज, पैराग्राफ वाइज अलग अलग वीडियो में बना के आप लोगों को समझाऊंगी। आज इस पर हम इतनी ही बात कर सकते हैं।